पूरी दुनिया में कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सागर में लापरवाही की बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जैन मुनि के स्वागत के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें सागर जिले के बंडा की है, जहां लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। साथ ही तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि किस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहां लोगों की जान पर बनी हुई है। दरअसल हुआ यूं कि जैन मुनि प्रमाण सागर और अन्य मुनि विहार करते हुए पहुंचे थे और उनके दर्शन और स्वागत के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं इस मामले पर एएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही एएसपी प्रवीण भूरिया ने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का पालन नहीं किया गया, कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने मुनि के भाग्योदय अस्पताल से विहार करने से पहले समाज के लोगों से लिखवाया था कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बंडा पहुंचने पर भीड़ जुटने से ये स्थिति सामने आई है। सागर में मुनि संघ का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद है, किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग पर रोक है, तो प्रशासन से परमिशन कैसे मिली। न्यूज डेस्क।